हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा ज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दो, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो ऑप्शन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर तीन, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर चार, वोल्ट भी बराबर होता है जहां सी बराबर कूलम, जे बराबर जूल, तो एम्पीयर बराबर जूल बटे कूलम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर छः, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर सात, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर आठ, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पीतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। क्वेश्चन नंबर दस, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी HeHelium। क्वेश्चन नंबर बारह, कार्बन की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 13, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 6 में। क्वेश्चन नंबर 14, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 15, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 17, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के
विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए धमनियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 2, विद्युत में तार समानता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 4, वाट घंटा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 5, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो इसकी क्षमताएं होगी। ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर सात, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी समतल। क्वेश्चन नंबर 8, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 9, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 11, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर ए pH=3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। CaCO3 - CaO+CO3 CO2 या एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर ए लीवर। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जड़। क्वेश्चन नंबर 17, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 18 मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कुल्हा किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, कुल्हा किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है तो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1 दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अनंत। प्रश्न नंबर 2 यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी तो ऑप्शन नंबर डी 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 लेंस की क्षमता का ऐसाई मात्रक है, लेंस की क्षमता का ऐसाई मात्रक है तो ऑप्शन नंबर सी m/-1। क्वेश्चन नंबर 5 चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीक होता है तो ऑप्शन नंबर डी काले रंग का। क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए एम्पेयर को, एम्पेयर को नापने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए नरम लोहे का। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 9 आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धावित्व गुण ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 -CWH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हीलियम कैसा तत्व है तो ऑप्शन नंबर ए अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं तो ऑप्शन नंबर डी 18 है। क्वेश्चन नंबर 13 जल का पीएच मान कितना होता है तो ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 14 किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी अपकरण। क्वेश्चन नंबर 15 वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है,
अम्ल के विखंडन से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी। NH3। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी डायस्टोल। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह करता है, तो ऑप्शन नंबर ए फुटपाथ। क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी घेंगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 2, विद्युत में तार समानता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का।